हरक्यूलीज, ताकत और हिम्मत का दूसरा नाम। उसकी जिंदगी में हलचल मची रहती थी। हरक्यूलीस एक अच्छा और होनहार आदमी था। ग्रीस के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वो बहुत सुंदर दिखता था। जिन्हें उसके बारे में नहीं पता था वो उसे ग्रीस का राजा समझने की गलती कर बैठते थे। अरे ये हरक्यूलीस तुम लोगों का राजा है ना? नहीं नहीं मेरे दोस्त, वो हमारा राजा नहीं है, उसका नाम हरक्यूलीस है, वो इस जगह का हीरो है। ऐसे किस्से बार बार होने लगे और एक बार राजा के आदमियों को इस बारे में पता चला। उन्होंने राजा को बताया कि कुछ लोग हरक्यूलीस को राजा समझने लगे हैं। जब राजा ने ये सुना तो उसे काफी गुस्सा आया। उसे फिक्र होने लगी कि कहीं लोग हरक्यूलीस को नया राजा न बना दे। उसने अपने मंत्रियों से बात करके हरक्यूलीस से छुटकारा पाने का प्लान बनाया। राजा अच्छे से जानता था हरक्यूलीस दूर चला गया तो लोग उसे धीरे धीरे भूल जाएंगे। एक बार राजा ने नया प्लान बनाया। उसने हरक्यूलीस को बहुत मुश्किल काम सौंपा जिसकी वजह से हरक्यूलीस राज्य से काफी वक्त तक दूर रहने वाला था। राजा ने हरक्यूलीस को हेस्पेरिडीज नाम की जगह जाने का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता था कि हेस्पेरिडीज के पेड़ों पर गोल्डन एप्पल उगते हैं। राजा ने हरक्यूलीस को 3 गोल्डन एप्पल लाने का आदेश दिया। राजा ने हरक्यूलीस को हेस्पेरिडीज इसलिए भेजा क्योंकि उस जगह का रास्ता किसी को भी मालूम नहीं था। राजा को पता था हरक्यूलीस को वापस लौटने में काफी वक्त लग जाएगा। हरक्यूलीस मान गया और उसने सफर के लिए सारी जरूरी चीजें इकट्ठा कर ली। अगले दिन उसने अपना देश छोड़ दिया। रास्ते में वो 3 लड़कियों से मिला। हरक्यूलीस ने उनसे हेस्पेरिडीज का रास्ता पूछा। हाय, क्या आप लोग मुझे हेस्पेरिडीज का रास्ता बता सकते हैं? मैं नक्शे में उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। हेस्पेरिडीज? सच कहे तो हमने भी उसका नाम कभी नहीं सुना है। हमें तो बिल्कुल नहीं पता कि वो कहाँ पर है। समुद्र में मौजूद बूढ़े आदमी से पूछना चाहिए, शायद उसे हेस्पेरिडीज का रास्ता पता हो। लेकिन बूढ़े आदमी से बात करते वक्त तुम्हें सतर्क रहना होगा। जब तुम बात करो तो उसे कस के पकड़ लेना, वरना वो भाग जाएगा। हेस्पेरिडीज का रास्ता सिर्फ उसे पता है। ठीक है, शुक्रिया मैडम, मैं ध्यान रखूंगा। कुछ देर चलने के बाद हरक्यूलीस को समुद्र के पास एक बूढ़ा आदमी मिला। वो समुद्र के किनारे सो रहा था। बूढ़ा आदमी बहुत अजीब था, शायद वो नहाया भी नहीं था। उसके बाल और दाढ़ी काफी लंबी थी। वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। हरक्यूलीस बिना आवाज किए उसके एकदम नजदीक गया। फिर उसने बूढ़े आदमी को पीछे से कस के पकड़ लिया। बूढ़े आदमी ने जैसे ही आंखें खोली वो चिल्लाने लगा, लेकिन हरक्यूलीस को नहीं पता था ये आदमी एक जादूगर था। वो अचानक एक हिरन में बदल गया। हरक्यूलीस को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने आदमी को छोड़ा नहीं। हिरन ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हरक्यूलीस ने उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ा। उसके बाद बूढ़े आदमी ने खुद को एक समुद्री पंछी में बदल दिया, लेकिन हरक्यूलीस ने उसे नहीं छोड़ा। एक एक करके बूढ़ा आदमी खुद को दूसरे जानवरों में बदलता गया, लेकिन वो खुद को हरक्यूलीस से छुड़ाने में नाकामयाब रहा। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? मेरा नाम हरक्यूलीस है, मुझे हेस्पेरिडीज का रास्ता जानना है। मुझे पता है कि वो रास्ता सिर्फ आप जानते हैं। हेस्पेरिडीज? वो तो एक आइलैंड है। समंदर से होते हुए तुम आगे जाओ, तुम्हें एक बड़ा सा आदमी मिलेगा, वो तुम्हें बता देगा आगे का रास्ता। हरक्यूलीस उसे शुक्रिया कहकर आगे के सफर पर निकल पड़ा। उसे वहाँ बड़ा आदमी दिखा। वो बहुत ही खूंखार और ताकतवर था। वो समुद्र के किनारे सो रहा था।
और उतने में हरक्यूलिस ने उसे उठा दिया। लेकिन उस आदमी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे गुस्सा आया और उसने हरक्यूलिस को मारने की कोशिश की। हरक्यूलिस ने पूरी हिम्मत से उसका सामना किया। आदमी को उठा के उसने फेंक दिया, लेकिन आदमी फिर से खड़ा हो गया। लेकिन न जाने कैसे आदमी पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। हरक्यूलिस ने उसे बार बार जोर से फेंका, लेकिन हर बार आदमी और भी ताकतवर बनता गया। अगर मैं इसे नीचे फेंकूं, तो ये मुझसे ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली हो जाएगा। कुछ और करना पड़ेगा। हरक्यूलिस ने उस आदमी को हवा में उठा लिया, लेकिन इस बार नीचे नहीं फेंका बल्कि हवा में ही रखा। आदमी धीरे धीरे कमजोर होता गया और कद में बहुत छोटा हो गया। वो खुद को नीचे उठाने के लिए हरक्यूलिस से बार बार विनती करने लगा। प्लीज मुझे नीचे उतारो, यहाँ ऊपर बहुत ठंड है। बस मुझे नीचे उतारो, फिर जो बोलोगे वो करूँगा। तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मुझे हेस्परिडीज जाने का रास्ता बताओ। हेस्परिडीज? मुझे तो हेस्परिडीज का रास्ता नहीं पता, लेकिन एक आदमी शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। यहाँ से सीधे जाओ, वहाँ पर तुम्हें एटलस मिलेगा, वो तुम्हें बता देगा हेस्परिडीज कहाँ है। हरक्यूलिस ने उसे भी शुक्रिया कहा और आगे निकल गया। और फिर वो उस आदमी के बताए हुए रास्ते पे चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद उसे एटलस मिल गया। हरक्यूलिस ने एटलस को अपने बारे में बताना शुरू किया और साथ साथ उन गोल्डन एप्पल्स के बारे में भी बताया। तुम्हें हेस्परिडीज के 3 गोल्डन एप्पल्स का क्या काम है? मेरे राजा ने मुझे 3 गोल्डन एप्पल्स लाने का आदेश दिया है। एटलस का काम आसमान को पकड़ने का था। उसने आसमान को कई सालों से पकड़ के रखा था और इस काम से वो बोर हो चुका था। फिर उसके खुराफाती दिमाग में ख्याल आया। यहाँ से हेस्परिडीज बहुत दूर है, वहाँ सिर्फ मैं जा सकता हूँ। मेरे लिए इन बादलों को पकड़ो और बदले में मैं तुम्हारे लिए गोल्डन एप्पल्स लाऊंगा। हरक्यूलिस को शर्त मंजूर थी। उसने आसमान को अपने कंधों पर ले लिया और एटलस वहाँ से निकल गया। हरक्यूलिस एटलस के आने तक वहीं पर इंतजार करता रहा। एटलस वापस आया तब उसके हाथ में 3 गोल्डन एप्पल्स थे। उसने उन 3 एप्पल्स को हरक्यूलिस के पास रख दिया। हरक्यूलिस एप्पल्स को देखकर बहुत खुश हुआ। वो उन 3 एप्पल्स को देखने के लिए तरस गया था। हरक्यूलिस ने एटलस से विनती की कि वो आसमान उठाने का काम फिर से अपने कंधों पर ले ले। लेकिन एटलस आसमान को वापस उठाने के लिए हिचकिचा रहा था। मैंने इन बादलों को पिछले हजारों सालों से पकड़ के रखा था, अब अगले 1000 साल के लिए मैं आराम करूंगा। तब तक इन बादलों को पकड़ के रखने का काम तुम्हारा है। हरक्यूलिस को अब जाके समझ आया कि एटलस ने उसे बेवकूफ बनाया। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अच्छा ठीक है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए इन बादलों को पकड़ सकते हो? मुझे अपने कंधों के लिए एक पैड तैयार करना होगा, फिर मैं इन्हें तुमसे वापस ले लूंगा। एटलस मान गया और उसने हरक्यूलिस से आसमान फिर से ले लिया। तुरंत हरक्यूलिस ने गोल्डन एप्पल्स उठाए और वहां से निकल गया। एटलस की आंखों के सामने हरक्यूलिस आराम से निकल गया। हरक्यूलिस अपने राज्य वापस जाने लगा। बहुत दिनों के बाद वो राजा के महल तक पहुंच गया। उसने 3 गोल्डन एप्पल्स राजा को दे दिए। राजा को समझ आया कि हरक्यूलिस के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। राज्य में सभी लोगों ने हरक्यूलिस की वाहवाही की और हर बार की तरह हरक्यूलिस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो सबसे होशियार और ताकतवर योद्धा है।